आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए मैं नया रेसिपी लाया हूं, तो देखिए मजा आएगा, रेसिपी अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपके लिए बना रहा हूं कोकोनट का कुल्फी। कोकोनट का कुल्फी बनाने के लिए मैंने एक नारियल लिया था, तो अब नारियल का जो पीछे वाला भाग था इसको मैंने निकाल दिया। अब मैं इसको घिस लेता हूं अच्छी तरह से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से घिसने का है, उसके बाद आपको पीसना पड़ेगा। तो इसको मैंने पैसे पहले घिस लिया था, अब मैं मिक्सर के अंदर पीस लेता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से एकदम बारीक बारीक बनाएंगे तभी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने ये नारियल का जो माल मटेरियल बनाया हुआ है इसको मैंने पीस लिया, एकदम बारीक बारीक कर दिया हूँ। अब जो बनाना स्टार्ट कर देते, एकदम बारीक पीसने का है, ज़्यादा बड़ा रहना नहीं चाहिए, कुछ भी एकदम बारीक बारीक रखोगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। देखिए एकदम स्मूथी मस्त अच्छा बन गया है, अब मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए तो बनाने के लिए मैंने दूध ऐड कर रहा हूँ, एक गिलास और आधा गिलास, इतना डेढ़ गिलास जितना मैं दूध ऐड कर रहा हूँ। आप ज़्यादा भी ऐड करना है तो कम भी कर सकते हो। तो दूध ऐड कर दिया मैं, इसके अंदर 4 से 5 चम्मच जितना चीनी ऐड कर रहा हूँ। चीनी आप थोड़ा ज़्यादा कम क्वांटिटी भी कर सकते हो, लेकिन चीनी आप ज़्यादा थोड़ा ऐड कीजिए, क्योंकि ये नारियल आता है थोड़ा एकदम इतना मीठा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा 5 चम्मच जितना चीनी ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं ये अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रख दिया था 10 मिनट तक। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये मिक्सरण अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, एक एक गिलास लेके सब जो नारियल का आपने बनाया है नए अपने कुल्फी बनाने के लिए फ्लेवर, तो सब इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। एक एक गिलास मेरे पास छोटा वाला गिलास पड़ा है तो मैं छोटा वाला गिलास भर देता हूँ, आपके पास बड़ा वाला गिलास कोई है तो बड़ा वाला गिलास में भर सकते हो, और नहीं तो आप जो जो चाय पीने वाला गिलास आता है ना चाय का कप, इसमें भी बना सकते हो। ये मैं देखिए सब गिलास को एक एक करके सब गिलास को भर दिया है, कम से कम 9 गिलास भरा है। एक ही नारियल था और 1.5 गिलास जितना दूध डाला था, तो इतना सारा देखो कितना अच्छा कुल्फी बन गया। दूध भी हमने गर्म नहीं किया, नॉर्मल गर्म दूध था, तो मैंने एक नारियल लाया तो और कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है दोस्तों। देखिए अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, सिल्वर फॉइल ऐड कर देता हूँ। सिल्वर फॉइल सब ऊपर मैंने लगा दिया सब की अच्छी तरह से, देखिए हमने सिल्वर फॉइल लगा दिया है और इसके ऊपर मैं रबर लगा देता हूँ, क्योंकि गिरेगा नहीं ना, गिरेगा तो फिर गिरेगा नहीं। तो देखिए मैं सब इसके ऊपर फ्रिज में जमाने के लिए रखूँगा, तो जमाने के लिए ऊपर थोड़ा इसे एक करके रबर लगा देता, रबर से इससे पकड़ अच्छी हो जाएगी दोस्तों। देखिए सब मैंने अच्छी तरह से रबर रख दिया है, अब रबर को रख दिया है तो इसके ऊपर छोटा छोटा काना पाड़ देंगे, तभी बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो स्ट्रो रखेंगे तभी अच्छा कुल्फी खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा दोस्तों। देखिए मैंने अच्छी तरह से सब के ऊपर काना पाड़ दिया छोटा छोटा, और मैं इसके ऊपर स्ट्रो रख देता हूँ, बच्चों भी खाएगा तो बहुत ही अच्छा खुश हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्टफुल लगेगा। और मैं उसके साथ किसके साथ खाओगे वो भी बताऊँगा बाद में। तो दोस्तों देखिए अभी मैं सब को इसके ऊपर रख दिया हूँ, तो देखिए अब मैं इसको क्या करूँगा, फ्रिज में रख दूँगा 7 से 8 घंटे तक इसको फ्रिज में रखूँगा। तो देखिए अब मैं फ्रिज में रख दिया था 8 से 10 घंटा जितना टाइम हो गया, तो अब मैं इसको निकाल देता हूँ कैसा बना है। तो अब इसको निकालने के लिए ऐसे तो वो निकलने वाला नहीं है, तो इसने बहुत ही हार्ड हो गया होगा, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी रखना, गर्म पानी होगा, नॉर्मल पानी होगा तो भी चलेगा दोस्तों। तो ये मैं पानी में डुबा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको मैं निकालूँगा तो अच्छे से निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे 3-4 मिनट तक ऐसे पड़ा रहेगा तो भी ये निकल जाएगा, पानी की ज़रूरत भी नहीं रहेगा। तो देखो मैं पानी में करके ये सब निकाल दिया हूँ, तो देखो बहुत ही अच्छी तरह से एकदम निकल जाता है, देख दो बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। अब मैं इसको कैसे खाता हूँ, देखो ये नारियल के जो कुल्फी बना है इसके ऊपर मैं रबड़ी ऐड कर देता हूँ, रबड़ी और नारियल के कुल्फी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मीठा मीठा लगता है दोस्तों। तो देखिए मैं इसके ऊपर वो सब कुछ ज़्यादा कुछ रबड़ी ऐड कर रहा हूँ, जितना खाना है उतना रबड़ी ऐड कर दीजिए, और नहीं तो इसको आप कटिंग करके भी खा सकते हो, कैसे भी खा सकते हो दोस्तों। देखिए मैं जितनी बहुत ही ज़्यादा कुछ रबड़ी ऐड कर देता हूँ, और इसके ऊपर खाए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर देता हूँ, ड्राई फ्रूट में मेरे पास बादाम पड़ा था तो मैं बादाम ऐड कर देता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा दोस्तों बनाया है रबड़ी और कोकोनट का कुल्फी दोस्तों, तो आप भी ऐसा बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा और टेस्टफुल लगेगा। गर्मी का मौसम है तो आप खाइए।